दोस्तों आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर अगर आप टेलीग्राम यूजर है टेलीग्राम पर लॉगिन करते समय अगर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इस तरह का एरर देखने को मिलता है टू मैनी अटैम्प्स प्लीज ट्राई अगेन लेटर तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखना इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पर आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं यहां पर दोस्तों कई बार क्या होता है आपको ओ भी रिसीव नहीं होता है और आप बार बार अपने मोबाइल नंबर को चेंज करते रहते हैं तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो जाती है टू मैनी अटैम्प्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर तो गाइज आपको एक चीज का ध्यान रखना है आपको कोरैक्ट जो आपका मोबाइल नंबर है उसको एंटर करना है और उसके बाद भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तब आप इन वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर लेना तो हंड्रेड एनव परसेंट आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा पहले स्टेप के अंदर दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्स वाला आपको इस पर क्लिक करना है फिर आपको मैनेज एप्स पर क्लिक कर देना है जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च कर देना है टेलीग्राम

पर चेक करना है कि कहीं अपडेट तो नहीं आई हुई अगर आपको इस तरह से अपडेट देखने को मिलती है तो आप अपने टेलीग्राम को को से अपडेट कर लेना जिसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है 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 इसका हो जाता है, अगर फिर भी सेम बनी हुई है, आपको अगेन अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है यहां से डेट एंड टाइम की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है जिसकी वजह से हम इस तरह का इशू आता है तो हमें एक बार सेट टाइम ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन को डिसेबल करके इनेबल कर लेना है इससे जो हमारा टाइम है और डेट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम यहां से बैक आ जाते हैं बैक आने के बाद अब हमें एक और काम कर लेना है सेटिंग के अंदर ही रहना है और यहां पर हमें नीचे की तरफ अगर आप रेडमी एम का फोन यूज करते हैं तो एक ऑप्शन ढूंढ लेना है पर पर आपको आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला इस पर क्लिक करना है थोड़ा सा हाँ नीचे की तरफ स्क्रोल करने पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क सेम ब्लूटूथ वाला ऑप्शन दिखेगा इस पर टैप कर देना है और नीचे से आपको रीसेट सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जिसके बाद जो आपके नेटवर्क की जो सेटिंग है वो यहां से रीसेट हो जाएगी उसके बाद आपको यहां से बैक आना है बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको एक

तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है इसको आपको डाल देना है यहाँ से आपको आपका ई नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको भी आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो आपकी ईमेल आईडी है उसको भी एंटर कर देना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ दिनों का इंतजार करना है आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन इजिली हो जाएगा तो आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो की हेल्प से अगर आपकी प्रॉब्लम का होता है तो उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स